अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय कुकिंग चैनल। आज मैं आपसे केक की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। मैं आज मार्बल केक बना रही हूँ, जो बहुत ही आसान है, बहुत ही कम चीज़ों में घर पे आसानी से आप बना सकती हैं। तो आइए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। मैं 2 अदद अंडे एक बाउल में डाल रही हूँ। 1/2 कप पिसी हुई चीनी शामिल करके मैं 1 से 2 मिनट के लिए इसको अच्छी तरह मिक्स कर लूँगी। अंडा और चीनी को अच्छी तरह मिक्स करना है। मिक्सिंग के बाद मैं 1/4 कप ऑयल शामिल कर रही हूँ। ऑयल ऐड करने के बाद मैं इसको अच्छी तरह और मिक्स कर लूँगी। मैं इनको अच्छी तरह मिक्स करूँगी ताकि सारी चीज़ें अच्छी तरह मिक्स हो जाएं। मिक्सिंग के बाद अब मैं इसमें 1 टीस्पून वनीला एसेंस, 1/2 कप नीम गर्म दूध ऐड करूँगी। 1 से 2 मिनट के लिए मैं इनको अच्छी तरह मिक्स कर लूँगी ताकि सब चीज़ें एक साथ अच्छी तरह मिक्स हो जाएँ। अब मैं इसमें 1 कप मैदा, 1 टेबल स्पून बेकिंग पाउडर ऐड करके इन सब को अच्छी तरह मिक्स करूँगी। 4 से 5 मिनट के लिए मैं इनको मिक्स करती रहूँगी ताकि अच्छी तरह मिक्स हो जाए। आप देख सकते हैं कि अच्छा सा बैटर तैयार हो चुका है। अब मैं इस बैटर में से थोड़ा सा बैटर एक अलग बाउल में डाल रही हूँ और उसमें 1 टेबल स्पून कोको पाउडर शामिल कर रही हूँ। कोको पाउडर डालकर मैं अच्छी तरह मिक्स कर लूँगी क्योंकि मैं मार्बल केक बना रही हूँ तो मुझे ये बैटर बनाना ज़रूरी है। मैंने केक बनाने के लिए एक मोल्ड में ऑयल का ग्रीस करके बटर पेपर लगा चुकी हूँ। मार्बल केक के लिए पहले मैं सादा बैटर डालूंगी, फिर इसके बाद इसके ऊपर से कोको पाउडर वाला बैटर डालूंगी। इसके बाद आपको जिस किस्म की डिज़ाइन देनी है वो डिज़ाइन बना सकती हैं। मैं इस तरह की डिज़ाइन बना रही हूँ, आप देख सकते हैं। मार्बल केक बहुत अच्छा डिज़ाइन वाला बनता है, बहुत आसान रेसिपी है और खाने में इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा है। ओवन को मैंने पहले से ही गर्म कर लिया है। अब मैं इसको 180 पे 30 मिनट के लिए बेक करने के लिए रख दूंगी। 30 मिनट में ये केक अच्छी तरह तैयार हो जाएगा। मैं 2 अंडों का केक बना रही हूँ तो मैंने 2 अंडे के केक के हिसाब से मोल्ड लिया है। 30 मिनट के बाद केक बहुत अच्छी तरह बेक हो चुका है। आप देख सकते हैं कितना अच्छा कलर और बहुत ही अच्छा बेक हुआ है। केक बिल्कुल बाहर जैसा ही सॉफ्ट बना है जैसे बेकरी में मिलते हैं। सिर्फ चंद चीज़ों से ही आप एक अच्छा लजीज केक घर पर आसानी से तैयार कर सकती हैं। उम्मीद है आपको मेरी ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।